अच्छा वाले को बैक टू फैमिली कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ स्टारक का मैं यहाँ पर एक बात शेयर करने लगी हूँ आपसे सितारा की जो वीडियो आ जाए उसने बहुत इमोशनल बातें अंदर की कि उस वक्त जब मेरे व्यूज़ नहीं आते थे जब मैंने चैनल न्यू न्यू बनाया था और ऐसे मैं लोगों से कह गया कि सबस्क्रैप करवाती थी बल्कि मेरे पास पाँच सौ नहीं होते थे और मेरा हस्बैंड यानी घोचू इसको रोज़ पचास सौ रुपया दे जाता था ये कौन से जमाने की बात कर रही है नाइनटीज की बात कर रही है ये सिर्फ एक साल पहले की बात कर रही है विवर्स और ये महंगाई जो पाकिस्तान में इसको ढाई तीन साल हो गए पचास सौ क्या पाँच सौ में कुछ नहीं आता था उस वक्त एक साल पहले तो घोजू इसको पचास में दे के जाता था सौ रुपये दे के जाता था इसकी वो वीडियोस मैं भी तब वॉच करती थी जहाँ पर ये मेकअप से रिलेटेड बताती थी आप लोग इसका मेकअप वॉच करो क्योंकि मैंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और अच्छी जगह से मैंने की है बल्कि मैंने एडवांस मेकअप का कोर्सिस किए हैं मुझे पता है कि ये जो स्टिक्स हैं करेलॉन वगैरह की पाँच पाँच हज़ार की एक स्टिक हो रही है, आती है मेबलिन वग़ैरह की तो इसके पास जो मेकअप है ना वो ही कुछ सत्तर अस्सी हज़ार का है कहाँ से फिर इसने लिया आप लोग मुझे ये बात बताएं उस वक्त भी इसको वो सपोर्ट करता था एजाज़ शाह और ये जो मैं क्लिप्स ये लगाए हैं ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाए हैं कि जब ये गई थी सऊदिया बकोल इसके मैं बहुत टेंशन में थी मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके वो होते हुए ये वाहियाती दिखा रही है सऊदिया में आप लोग गौर से देखें कि ये वाहियाती है कि नहीं है कितने हमारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं आप लोग जाएँ देखें मिलियंस में जा रहे हैं एवन के डी भाई है उसकी बीवी किया इस तरह वाहियाती दिखाते है? नहीं क्योंकि हम मुसलमान हैं हम पाकिस्तानी हैं इस्लामी माशरा है हमने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना एक लिमिट से हमारी और दूसरी तरफ सलमा पर को देख लें जब इसने जाना था, तो सलमा ने असगर को कहा था मुझे बार बार सलमा की वो वात याद आती है जब इसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि सितारा यहाँ पर आ रही है बहुत हमने उसको टेंशन से दूर रखना है तो इसने ये वहाँ पर क्या किया कहीं से भी ये लग रहा है अगर अल्लाह ना करे किसी का भी हस्बैंड अल्लाह करोड़ दफ़ा ना करे किसी का हस्बैंड भी इस तरह दूसरी शादी करता है वो औरत वैसे ही मर जाती है वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती ये किस तरह की कर रही है हरकतें ये तो फिर तो 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 ज़िंदगी जी रही थी और सबसे बड़ी बात है चलें सलमा गलत है हम गलत हैं सब गलत है इसने जो वो साठ वीडियोज़ हैं वो क्यों डिलीट की इसने इसका जवाब बस दे दे सितारा इसने क्यों डिलीट की इसने तो कोई प्रूफ नहीं लिया आप लोग जो सतारा के नाम अंधे सपोर्टर थे हैं वो सलमा के बच्चे का कह रहे हैं कि रुबीना यहाँ से बच्चा लेके गई सिलिकॉन का बेबी है ये है वो है वो स... यानी उसका भी प्रूफ चाह रहे हैं तो आप लोग तो सितारा का कोई प्रूफ नहीं दे रहे जो इसे चालीस लाख का इल्जाम लगाया ये लगाया वो लगाया इसकी हर जगह पे झूठ ही झूठ रखता है आप इसके घर में लड़ाई ये पड़ी हुई है कि बिले रानी सऊदिया नहीं जाना चाह रही फिलहाल और ये जो चाचू है असगर के फादर ये जाना चाह रहे हैं सऊदिया अब आप इनके आपस में पड़ गई और सितारा भी आप लोग नोट कीजिएगा आज भी पापा वीडियो में वरना कहते थे चाचू चाचू कोई चाचू चाचू जो नहीं कर रही सिर्फ अपनी माँ को याद करती और ये ये जो दिखा रही है ना वाहयात जिसम पास ही असगर होता था लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये अपनी वाहियात मोटा जिसम दिखा रही है अजगर को अजगर को इस तरह इसने किया मैं तो अजगर को भी अच्छा नहीं समझती अगर कहते हैं ना सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट का मैं दोनों को फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कहती हूँ अजगर भी तो जवान बेटियों का था ना बाप उस सलमान ने कितना उससे किया था लेकिन उसने क्या सिला दिया और यहाँ पर सितारा है सिता घोंचू घोंचू को मैं इसलिए बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि okay, घोंचू है ना वो शुरू से आदि है इन बातों का और वो सितारा को इस्तेमाल करता था चाहे इजाज़शाह हो चाहे कोई भी हो बस मुझे इस वीडियो में उन लोगों के माइंड क्लियर करने हैं जो याद कर रहे होते हैं हमें कमेंट्स कर कर के आवाज़ का भी तो पर्दा होता है हमने कब कहा हम पर्देदार हैं हम तो ये कह रहे हैं कि सितारा अपनी कभी लव बैड दिखाती है कभी अपने सीना दिखाते हैं चोलिस्तान में जाती है एक गांव के माहौल में जहाँ पर मैं भी जाती रही हूँ जहाँ पे आप ढक के भी जाओ ना पूरा जिसम तो लोग घूर रहे होते हैं गांव के और वो किस तरह अपना जिसम दिखा रही थी मुंह पे चाचा खड़ा हुआ था उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था ढकती चाचा पर वो कामयाब नहीं हो रहा था कि बिल्लो रानी देखने लग गई थी तो आप खुद मौका देते हो ना मर्द को असम सितारा की जो फैमिली है ना इसका एक एक इंसान सिर्फ इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा है राबिया फोर सिस्टर्स वाली जो बाजी हैं वो सिर्फ इस, इसको तो यूज़ करना है ना क्योंकि पैसा कमाना है नजमा है सब कुछ वो बताती है बिलोरानी की तीसरी शादी उसने बताई सितारा का इजाज़ शाह के साथ पिक्स उसने लीक की एक एक बात बताती है लेकिन सितारा को यूज़ कर रहे हैं सितारा कहती है ना बहुत खुशकस्मत हो मुझे लोगों का प्यार मिलता है असल में वो बहुत बदकिस्मत है क्योंकि उसके पास कोई सच्ची मोहब्बत नहीं है सच्चा रिश्ता नहीं है और सितारा जो आज ये बोल रही थी ना कि वो मुझे सिर्फ ये खाना खिला के समझते थे प्रमोशन मिलेगी जी नहीं सितारा पैसे लेना चाहती थी क्योंकि दिलबर भी जिस चीज़ को सितारा से मिलवाता था बिहाइंड द कैमरा वो उनसे लाखों रुपए ले रहा होता था तो तारा को भी अगर वो कहते ना कि आपको लाखों रुपए देंगे आप हमें प्रमोशन दे तो सितारा कर लेती लेकिन सितारा ने इसलिए नहीं किया उन्होंने सिर्फ खाने पर इसको रखा दिया था बस यहीं तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ओके हाफिज़